दोस्तों, एडी एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सेट थियरी में आइडेंटिटी लॉ सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और बहुत ही इजी है। तो दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे इस लेक्चर में, आइडेंटिटी लॉ क्या होता है वो हम देखने वाले हैं। मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद हमें उसके हेल्प से, जब भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो उसके हेल्प से हम दो रिजल्ट्स लिखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते वक्त या और भी कई टाइप्स के एग्जाम्पल्स हमें मिलेंगे उनको सॉल्व करते वक्त डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इसके वजह से हमें बहुत से लॉज अभी भी पढ़ने हैं, बट इसमें हम लेक्चर में आइडेंटिटी लॉज पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बोला आपको, पहले मैं लॉ क्या होता है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आइडेंटिटी लॉ में दोस्तों क्या होता है, अगर हमारे पास कोई सेट ए है, जैसे हमारे पास सेट ए है और उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3 ए बी, तो हमारे पास सेट ए है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है और वो एलिमेंट्स है 1, 2, 3 ए एन बी, और उसका अगर हम यूनियन किसी नल सेट के साथ लेते हैं। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था नल सेट क्या होता है। अगर कोई सेट, जैसे हम यहाँ पे बी लिया हुआ है तो यहाँ पे हम सी ले लेते हैं, कोई हमारे पास सेट ए है और उसके एलिमेंट्स जो हैं उनमें एक भी एलिमेंट नहीं है, जो हमारा सेट सी है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट सी इज इक्वल टू 0, तो हम इसको नल सेट बोलते हैं और उसको हम फाइव से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अभी हमें करना क्या है, जो हमारे पास सेट ए है, इस सेट ए को कुछ भी हो सकता है, उसके एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कुछ भी हो सकते हैं, जो हमारा सेट ए है वो कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो दूसरा सेट होगा वो 5 ही होगा, उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे। तो अगर हमें किसी भी सेट का यूनियन या इंटरसेक्शन 5 के साथ लेना हो तो हमें क्या मिलेगा, और यही हम देखेंगे, और उसके बाद जो हमें मिलेगा वही होता है आइडेंटिटी लॉ। यही मिलने के बाद जो हमें मिलेगा आंसर जो हमें मिल जाएगा, तो इन्हीं दोनों को हम रिजल्ट के तौर पे यूज करते हैं, और यही दो मैथमेटिकल जो फॉर्म होते हैं इनको हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ दोस्तों क्यों बोलते हैं वो अभी हम देखेंगे इसके आंसर निकालने के बाद। तो अभी हमें ए मिल चुका है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें 5 मिल चुका है, 5 सेट मिल चुका है। तो अगर हम उन दोनों का यूनियन ले तो आपको क्या मिलेगा, तो अगर आपके पास एक सेट है ए और दूसरा सेट है सी, अगर ये दोनों का हम यूनियन लेते हैं तो यूनियन कैसा लेते हैं आपको पता होगा, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम ले लेते हैं ए यूनियन 5, तो इसका आंसर दोस्तों मिल जाएगा, इसमें जो एलिमेंट्स हैं पहले लिख लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा 1, 2, 3 कॉमा ए कॉमा बी, और उसके बाद इसमें जो एलिमेंट्स रहेंगे वो हम लिखेंगे, बट उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। दूसरा जो सेट है मतलब 5 जो है उसका मतलब ही होता है कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो जो हमारा ए यूनियन 5 होगा, ए होगा 1, 2, 3 ए एन बी। तो दोस्तों हमारा जो आंसर आया, आप अगर ऑब्जर्व कर सकते हो, तो जो हमारा आंसर आया है वो जो ए था उसी के जैसा आंसर आया, सेम आंसर आया है फॉर ए यूनियन 5, जो हमारा ए था वही आंसर आया है ए यूनियन 5। तो इसके वजह से अगर हमें इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है, कभी भी हमें कोई सेट ए दिया जा सकता है, बी दिया जा सकता है, या कुछ भी हमें सेट दिया जा सकता है और उसका यूनियन हमें बोला जाता है 5 के साथ निकालने के लिए, तो आप उसका आंसर डायरेक्ट ए लिख सकते हो, सेट ए लिख सकते हो। उसी तरह से अगर हम इसका इंटरसेक्शन, ए दोनों के बीच में हम इनका इंटरसेक्शन निकाले, दोनों का इंटरसेक्शन निकाले, तो क्या मिलेगा। इंटरसेक्शन आपको पता होगा, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अगर किन्हीं दो सेट्स का अगर हम इंटरसेक्शन कभी भी निकालते हैं तो उनके जो दोनों एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं दोनों सेट में, वो हमारा इंटरसेक्शन होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो 1, 2, 3 ए भी है, बट यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों सेट्स में प्रेजेंट है, तो इसके वजह से यहाँ पे जो इंटरसेक्शन आएगा दोस्तों वो 0 आएगा, या इसको हम 5 बोल सकते हैं। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, अगर हम किसी भी सेट का, यहाँ पे पहले 5 मैं लिख देता हूँ, अगर हमें किसी भी सेट का यूनियन लेना हो 5 के साथ,
तो जिस सेट का यूनियन हम ले रहे फाइ के साथ वही हमारा आंसर होगा। इसी तरह से अगर हम किसी भी सेट का ये नोट बना लो आप, और यही इम्पॉर्टेंट है, और ये लेक्चर बनाने का पर्पस हमारा यही था कि हमें ये आना चाहिए, तो बस आप इस पे ध्यान दो। और ये सब तो एक्सप्लेनेशन था। तो दोस्तों अगर हम मैं कहा था कि अगर किसी भी सेट का ए बी सी डी किसी भी सेट का अगर हम यूनियन लेते हैं फाइ के साथ, तो हमें डायरेक्ट उसका आंसर ए लिखना है। और किसी भी सेट का हम इंटरसेक्शन लेते हैं विथ फाइ, तो हमारा जो आंसर होगा वो फाइव होगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी लॉ क्या होता है। और इसके बाद बहुत ही इजी था, तो इसमें आपको आई होप कोई डाउट नहीं होगा। तो हमारा लेक्चर दोस्तों यहीं पे फिनिश होता है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।